मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 की विंटर वैकेशन हॉलीडे होमवर्क की वर्कशीट। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। डेट है 14 जनवरी। फॉर अ ग्रेट स्माइल यू नीड टू ब्रश योर टीथ 2 times इन अ डे, बट वायर ब्रशिंग योर टीथ मेक श्योर यू डोंट वेस्ट वाटर। देखिए बच्चों, हमें कहा गया है कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि हमें ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एंड डिस्कस विद दैम अबाउट द वेज टू सेव वाटर, मेक अ पोस्टर टू शो। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को क्या करना है कि हमें पानी किस तरह से बचाना है, ठीक है, उस पर हमें एक पोस्टर बनाना है। वाटर इज़ प्रीशियस, वाटर इज़ लाइफ। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी यहाँ एक वाटर पे हाउ टू सेव वाटर पोस्टर बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे आपको वाटर सेव वाटर पे एक आपको पोस्टर बनाया। इस तरह से आप सभी एक पोस्टर बनाएंगे, ठीक है, कि हमें पानी कैसे बचाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी जो वर्कशीट है वो है EVS पर्यावरण अध्ययन। कलेक्ट द पिक्चर एंड पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन ऑफ योर फेवरेट प्लेयर एंड राइट 10 to 15 line अबाउट हिम और हर। अपने मनपसंद खिलाड़ी की तस्वीर और तस्वीरें और सूचना एकत्रित कीजिए व उनके विषय में 5 से 10 line लिखिए। स्टूडेंट देखिए, आप सभी को कोई ना कोई फेवरेट प्लेयर होता है, लाइक क्रिकेटर होगा, कोई बास्केटबॉल का प्लेयर होगा, कोई हॉकी का होगा, कोई टेबल टेनिस का होगा, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। आपके कोई भी फेवरेट प्लेयर्स हैं या फिर सिंगल है या बहुत सारे हैं, तो उनकी आपको यहाँ पेस्ट करनी है फ़ोटो, और उसके लिए आपको 10 to 15 lines यहाँ पर लिखनी है सभी को। देखिए जैसे मेरा है, देखिए बच्चों, आप सभी इनको जानते होंगे, ये हैं इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर, इनका नाम क्या है बच्चों, विराट कोहली, सभी जानते हैं ना इनको। चलिए अब इनके बारे में हम लिखते हैं। स्टूडेंट देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए विराट कोहली, आप सभी को पता होगा इनके बारे में, ही इज़ अ इंडियन कैप्टन, इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर, कैप्टन हैं ये हमारे, ठीक है, जिन्हें 2014 में चुना गया था। इनका पूरा नाम है विराट प्रेम कोहली, इनका निक नेम है चीकू, सभी का घर पे अलग अलग नाम होता है, इनका है चीकू। इनका डेट ऑफ बर्थ है बॉर्न ऑन 5 November 1988। आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ एग्रेसिव, चैरिस्मेटिक एंड अ ट्रू लीडर। ही इज़ रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ही वॉज अवार्डेड ICC प्लेयर ऑफ द ईयर 2012। बच्चों, इनको 2012 का ICC प्लेयर अवार्ड दिया गया था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ऑनवर्ड्स ही वॉज पेशनेट अबाउट क्रिकेट एंड स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट व्हेन ही वॉज 3 years old। बच्चों, बचपन से ही इन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था, और जब ये 3 साल के थे तभी से इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था। ही वॉज मेड द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम इन 2010। और बच्चों, इन्हें 2010 में वाइस कैप्टन चुना गया था। देखिए बच्चों, इनकी हॉबीज़ क्या क्या है, वर्कआउट करना, ट्रैवलिंग करना, सिंगिंग करना एंड डांसिंग करना। ही इज़ वेरी सपोर्टिव फॉर यंग प्लेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ लिखा है इनका नाम विराट प्रेम कोहली है। इनका जन्म 8 November 1988 को दिल्ली में हुआ था। इन्होंने मात्र 3 वर्ष की उम्र में ही बल्ला हाथ में थामकर बैटिंग करनी शुरू कर दी थी। कोहली ने भारत को U19 वर्ल्ड कप जिताया था। इनको प्यार से सब चीकू कहते हैं। इन्हें घूमना, नाचना, गाना पसंद है। ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। ठीक है स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, शो योर ड्रीम इन फॉर्म ऑफ ड्राॅइंग।
आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, अपने सपने लक्ष्य को चित्र बनाकर दर्शाइए। देखिए बच्चों, आप सभी का कुछ ना कुछ ड्रीम होगा लाइफ में कि मुझे आगे जाके क्या बनना है, पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो बच्चों, आप सभी को आपका जो भी ड्रीम है उसका यहाँ पर फोटो बनाना है और बताना है कि मुझे ये बनना है, मुझे मेरा लक्ष्य ये है, मेरा सपना ये है। देखिए देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ डॉक्टर का फोटो बनाया है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में ड्राइंग बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, खेल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप सभी को बताना है कि स्पोर्ट्स हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए स्टूडेंट, स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्पोर्ट्स आर अ क्रूशियल पार्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस ऑफ द बॉडी। बच्चों, वो हमारे मेंटल हेल्थ, ठीक है, और हमारी जो फिजिकल फिटनेस होती है बॉडी की, उसमें बहुत हेल्प करते हैं, उनका विकास, उनकी ग्रोथ होने में। हेल्प टू स्टेबलाइज ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। बच्चों, हमारा जो बॉडी में बीपी होता है, शुगर होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उनको कंट्रोल करता है। हेल्प इन मेंटेन योर वेट, हमारा वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड रिड्यूसेस बॉडी फैट, और जो बॉडी में फैट होता है उसको कम करता है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ वेरियस डिजीज। बच्चों, बहुत सारे डिजीज होते हैं, उनके रिस्क को ही कम करता है, लाइक सम कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक्सेट्रा। हेल्प टू प्रिवेंट एंड मैनेज मेंटल हेल्थ कंडीशन सच एज डिप्रेशन, लोअर स्ट्रेस। देखिए बच्चों, काफ़ी हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे डिप्रेशन में आ जाता है कोई, या फिर बहुत ज़्यादा किसी को स्ट्रेस होता है, तो गेम खेलने से ये सब चीज़ें हमारी कम हो जाती हैं। देखिए, खेलों से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वे अन्य लोगों की तुलना में अधिक चुस्त और दुरुस्त होते हैं, तथा उनमें धैर्य, सहनशीलता, क्षमा जैसे मानवीय गुणों का विकास अधिक होता है। खेलना व्यायाम का एक रूप है, यह निश्चित रूप से शरीर को शारीरिक रूप से फिट रखता है। नियमित खेल दिल को मजबूत रखता है। खेल से रक्त वाहिकाएँ साफ रहती है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा को कम करता है। ठीक है, खेल शरीर में कोलेस्ट्रॉल वसा की मात्रा को कम करता है। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ प्लेयर, राइट एनी फाइव क्वालिटीज। बच्चों, एक खिलाड़ी होने के लिए किन गुणों का होना महत्वपूर्ण है। बच्चों, एक प्लेयर होने के लिए हमें कौन सी क्वालिटीज चाहिए वो हमें यहाँ लिखनी है। देखिए स्टूडेंट, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, गुड लिसनर होना चाहिए, प्रिपेयर टू हियर द व्यूज़ ऑफ अदर। ओके, कोऑपरेटिव होना चाहिए, बच्चों सबको कोऑपरेट करके चलने वाला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, मेक पॉइंट्स इन अ पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट एंड रेस्पेक्टेबल फुल वे। कमिटेड होना चाहिए, फोकस ऑन द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द टीम, ये नहीं खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए, ओवरऑल सक्सेस टीम के बारे में सोचना चाहिए। प्लेयर को कहीं भी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए उसे मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, अपने पसंद के खेल के प्रति पैशनेट होना जरूरी है, खेल के प्रति ईमानदार व उत्सुक होना जरूरी है, लीडरशिप या कैप्टनशिप क्वालिटी होनी चाहिए, शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको पूरी तरह से आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको यहाँ बता दिया है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। आपको हमारी वीडियो से आपकी वर्कशीट सॉल्यूशन में बहुत हेल्प मिलेगी, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं फिर से बोल रही हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।